इनिगो दे लोपेज का जन्म स्पेन देश में बास्क राजघराने में हुआ था। आध्यात्मिकता से ज्यादा उसकी उत्कन अभिलाषा सांसारिक मोह माया पर थी। उसकी एक प्रचंड अभिलाषा थी अपनी जान की बाजी लगाकर भी ख्याति एवं प्रसिद्धि को हासिल करना। इस तरह से 26 वर्ष की आयु तक उसने अपने को सांसारिक मोह माया में डुबे रखा। इतना होने के बावजूद भी वह यह कहा करते थे, मैंने रोमांचक उपन्यासों में छपी संतरियों तथा उनकी रासलीलाओं को पढ़कर अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहा। मेरे जीवन का एक ही मकसद था, महान और आदर्श बनना। पंपलोना के युद्ध ने एकाएक उसके जीवन को झकझोर दिया। उसके सारे सपने और ख्वाबे चकनाचूर हो गए। सिर्फ एक बारूद के गोले के उसके घुटने पर लगने से उसकी सोच और सेवा कार्य में परिवर्तन आया। उसने सांसारिक राजा की सेवा को तज कर गुरु और यीशु राजा ख्रीस्त की सेवा में लग गए। उसके घुटने का दर्द इतना भयानक था कि वह अस्पताल में अपने बिस्तर से तनिक भी हिल नहीं सकता था। फिर भी समय काटने के लिए उसने नर्सों से रोमांचक उपन्यास पढ़ने को मांगा, जिन्हें पढ़कर अपना दर्द भुला सके। अपनी इच्छा के विपरीत उसे यीशु ख्रीस्त की जीवनी और कुछ संतों की किताबें मिली, जो उसके जीवन को पूर्णतः परिवर्तन कर डाला। तत्पश्चात यीशु ही उसके जीवन का केंद्र बिंदु हो गया। यीशु और संतों की जीवनी को पढ़ करके उसने उनके साहसिक कार्यों को अपने जीवन में लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को अपने विशेष कार्यों के लिए चुनता है तो उसे अतुलनीय कृपा दानों से भी भर देता है। जब इग्नासियस लास्तोर्ता के एक छोटे प्रार्थनालय में मनन चिंतन कर रहे थे, उस वक्त उसे पवित्र त्रित्वमय ईश्वर का दर्शन हुआ। ऐन मौके पर उसने अपने जेहन में अनुभव किया कि पिता ईश्वर यीशु को आदेश दे रहे हैं, तुम इसे मेरा सेवक बना लो। सन 1534 में इग्नासियस और उसके अन्य मित्र माउंट मात्रे के एक छोटे से गिरजाघर में माता मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व पर पौत्र यूखरिस्ट के दरमियान उन्होंने जीवन पर्यंत यीशु के साथ ही बने रहने का इकरार किया। इग्नासियस के जीवन चरित्र से पता चलता है कि उसका संपूर्ण जीवन प्रेरित कार्य का था। यीशु के कार्यों का विस्तार इग्नासियस ने रोम शहर में रहते वक्त सुसमाचार के प्रचार में निकले अपने मित्रों को, तकरीबन उन्होंने 7,000 पत्रों द्वारा यीशु के प्रज्वलित प्रेम को अपने जीवन में अंकित करने हेतु प्रोत्साहन के लिए लिखे थे। साक्षात में उसका हृदय दुनिया से भी बड़ा था, अतः उनके लिए इस संसार में काम करने के लिए कोई सीमा नहीं थी, न जाति का, न राज्य का, न भाषा का, न ही किसी धर्म विशेष का। संत इग्नासियस की भांति एक पापी होते हुए भी हमें पिता ईश्वर ने यीशु के मित्र बनने के लिए बुलाया है। आज के युग में यीशु का मित्र होना मतलब क्रूस तले विश्वास और न्याय के लिए संघर्ष करना है। यीशु समाजों के लिए सीमा एक बाधा नहीं, एक अंत नहीं,
वरन नए अवसर, नई चुनौतियों का सामना एवं नए अवसरों का स्वागत करना है। यह हमारा अदम्य साहस, जीवन प्रेरिताई एवं विशेष कार्यशैली है। यीशु समाजी वही हैं जिन्हें प्रेरितिक कार्य सीधे संत पापा तथा उनके धर्म अधीक्षकों द्वारा मिलता है। ईसा जो हम सबों के आदर्श हैं, हमें सुसमाचार को फैलाने में प्रेरित करते हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त के प्रेरिताई कार्य में हमारा समर्पण का मतलब गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों को सेवा भावना की दृष्टि से देखना, उनसे सीखना एवं उनके साथ और उनके लिए काम करना है। यीशु समाजी ख्रीस्त को दुनिया की क्षणभंगुरता में और दीन दुखियों की सहिष्णुता पर न केवल विशेष दृष्टिकोण और आवश्यकता की दृष्टि से देखता है, बल्कि उनके साथ संघर्ष और उनके लिए प्रार्थना करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम ख्रीस्त को संसार के अंतिम छोर तक ले जा सकें। पोप बेनेडिक्ट 16वें यीशु समाजियों को प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं, कलीसिया को आपकी जरूरत है, आप पर भरोसा करती है और आप पर पूरा आशा भरी निगाहों से देखती है कि आप उन क्षेत्रों पर जाएं जहां पर किसी की पहुंच नहीं है। प्रभु मुझे उदार बनने की शिक्षा देना ताकि मैं आपकी सेवा जैसे आप चाहते हैं वैसे करूं। मैं जो कुछ दूं परंतु उसकी कीमत की गिनती ना करूं। मैं लड़ सकूं परंतु चोट की चिंता ना करूं। मैं परिश्रम करूं परंतु विश्राम की कामना ना करूं। काम करूं और पुरस्कार की चिंता ना करूं, सिवाय मैं आपके पवित्र विचार को जान सकूं।